तो गाइस ये है एक नॉर्मल सा पेन और ये है पेंसिल। कैसा रहेगा अगर हम इस पेन की सारी इंक को बाहर निकाल कर इसके अंदर पेंसिल की स्टिक से बनाई गई फ्लूट डालेंगे तो क्या ये पहले की तरह काम करेगा या नहीं? मुझे पता है आपने पहले कभी ऐसा ट्राई करने का नहीं सोचा होगा, इसीलिए आज हम इसे खुद ही करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम शॉप से बहुत सारी पेंसिल को खरीद कर ले आए हैं। तो चलिए अब जल्दी से पेंसिल को छील कर उसके अंदर की स्टिक को बाहर निकाल लेते हैं। गाइस इस पेंसिल के अंदर से स्टिक को बाहर निकालना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था, लेकिन काफी देर मेहनत करने के बाद फाइनली हमने इस स्टिक को बाहर निकाल लिया। तो चलिए जल्दी से अभी स्टिक से फ्लूट बना लेते हैं। तो गाइस पेन के अंदर फ्लूट डालने के बाद हमारा पेन एकदम चलने के लिए तैयार है। तो चलिए अब इसको चलाकर भी देख लेते हैं। उससे पहले गाइस अगर आप इंडिया से हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और अदर कंट्री जैसे नेपाल पाकिस्तान बांग्लादेश से हो तो कमेंट करो। अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको अपनी कंट्री से प्यार ही नहीं है। इंडिया वालों ने तो लाइक कर भी दिया होगा। गाइस आप लोग देख सकते हो पेन चल तो रहा है लेकिन पहले की तरह नहीं चल रहा है।